साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है जाना, कदमों से मिलते हैं चलते कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे हो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कदमों से मिलते हैं चलते कदमों से, जब दिल हो आजादी का तो तस्वीर ऐसी हो, जब तिरंगे की शान में हर पैर थिरकने लगते हैं, और सिर सलामी की ओर झुकने लगता है। कानोता के राजकीय माध्यमिक विद्यालय गिरधारीपुरा की है, जहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर स्कूल के नन्हे बच्चों ने जमकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तालियों की गूंज के साथ स्कूल का आंगन देशभक्ति की महक में गूंज उठा। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों पर बच्चों ने डांस प्रस्तुत किए, तो इस मौके पर प्रधानाचार्य और पूर्व वार्ड पंच की ओर से ध्वजारोहण किया गया, जहां आजादी के इस खास मौके पर बच्चों ने कई शानदार प्रस्तुति थी जिसे बेहद पसंद किया गया। नन्हे बच्चों ने अपनी इस प्रस्तुति में देशभक्ति की झलक दिखाई। बता दें इस वक्त आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर स्कूल में कार्यक्रम किया गया है, तो वहीं दूसरी खुशी इस मौके पर थी, स्कूल को पदोन्नत किया गया। स्कूल को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है, और इसी के सौगात बस्ती के गिरधारीपुरा विद्यालय को इसी बजट में दो दो सौगातें दी गई। इसी वर्ष अंग्रेजी माध्यम को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया। विद्यालय के साथ ग्रामीणों ने राज्य सरकार का आभार भी जताया है। पाँच वर्ष 5 सितंबर 2017 को मैं आई। ठीक। वैसे इस खास मौके पर नन्हे बच्चों में बेहद हौसला दिखा, सभी ने बेहद सुंदर प्रस्तुति दी। साथ ही कार्यक्रम में सबसे खास बात यह थी कि बच्चों ने देशभक्ति दिखाई और पूरे जज्बे के साथ अपनी प्रस्तुति देकर हर किसी का मन जीत लिया। वैसे स्कूल पदोन्नत होने से बच्चों के साथ ही स्कूल के टीचर्स भी बेहद खुश हैं, क्योंकि अब बच्चों को शिक्षा का स्तर बढ़ पाएगा और शिक्षा की आवश्यकता भी पूरी होगी, जिसके चलते स्कूल के टीचर्स ने भी इस खास मौके पर सरकार का आभार जताया है। हमारे ये जो गांव का जो स्कूल है, यहां पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और स्पेशली जाति के बच्चों का संख्या यहाँ पर 90% है, और यहाँ पर 220 लगभग संख्या थी, तो बच्चों के लिए ये थी कि हमें 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, इसलिए लड़कियां अधिकतर ड्रॉप आउट हो जाती थी सबसे पहले, तो सरकार से हमारी बहुत दिनों से मांग थी और सरकार ने हमें सुनी। विधायक साहब का भी हम इसमें धन्यवाद देना चाहेंगे, और साथ में ही 5वीं तक एक इंग्लिश मीडियम हमारा स्कूल इस बार उनकी घोषणा हुई है, और कुछ दिनों में इनका स्टार्ट हो जाएगी, इससे गाँव वालों को बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ है, और पूरे गांव वाले स्पेशली सभी गांव वाले इनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडियम के बंदूकों के माध्यम से, कि ऐसी चीज़ों का स्पेशली छोटे गांवों में जहां पर शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और शिक्षा ही एक वो हथियार है जो आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। इसलिए हम सरकार का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और हाँ, इसमें उन्होंने प्रमोदित कर दिया, लेकिन विद्यालय में भवन की और स्टाफ की आवश्यकता है, इसलिए अनुपात के हिसाब से स्टाफ की व्यवस्था की जाए और 5 से 6 कमरों की अत्यंत आवश्यकता है। कुछ क्लासें एक कमरे में 2-2, 3-3 चल रही है, क्योंकि हमारे भवनों की अत्यंत आवश्यकता है। हमने स्थानीय स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी इसको पहुँचाया है, और हमें उम्मीद है कि इस बार हमारी ये मांगे भी हमारी पूर्ण होगी। इसलिए गांव की तरफ से सभी मतलब हम सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं। बाढ़ तक होने के बाद में भी इसमें जो है प्रबंधित हो गया, तो हमारे गांव के बच्चों को पढ़ने में जैसे पहले बहुत फीस लगती थी, तो अब बहुत फायदा मिलेगा पढ़ने में बच्चों को।